शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी माँ के सामने मुझे से प्यार का नाटक कर सकती हो। अब हमें दादी माँ, कुणाल और उस काव्या, इन तीनों पे कड़ी नजर रखनी होगी। अपने बेटे के प्यार में इतनी पागल हो गई कि आपने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। अब अगर मैं आपसे आपकी सांसें छीन लूं तो? अब देखना, तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, सिर्फ प्यार होगा। वो माँ पापा जी नीचे इंतजार कर रहे होंगे ना, मैं देख कर आती हूँ। कब? मुझे काव्या से बात करनी होगी। काव्या इतनी जल्दी में क्यों गई? सब ठीक तो है ना बेटा? माँ आप क्यों परेशान हो रही? काव्या ठीक है, काव्या की मम्मी डैडी नीचे उसका इंतजार कर रहे हैं। आप दुनिया की टेंशन मत लीजिए, आपका दवाई का समय हो गया, दवाई खाइए, अब लीजिए, पकड़िए दवाई। ये काफी कहाँ चली गई? अभी आप यहीं रुकिए, ये मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ है। ये चल क्या रहा है पार्वती जी? अभी बचा हुआ पानी तुम पियो, एक दूसरे का झूठा पानी पीने से प्यार बढ़ता है। मैं जानती, मैंने कुणाल का झूठा पानी पीकर बहुत बड़ा पाप किया। और आज इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं ये पवित्र गंगा जल पी रही हूं ताकि मैं अपने आप को शुद्ध कर पाऊं। बदला लेने के लिए पहले तुमने झूठी शादी के लिए आंका, क्या अब तुम उस कुणाल के साथ झूठे प्यार का नाटक करोगी? ये सब तुम क्यों कर रही हो काव्या? मैंने जो भी किया वो कुणाल के लिए नहीं किया, गायत्री जी के लिए किया। पर अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो किसी की जिंदगी का सवाल है। जैसे एक झूठ कहा वैसे दूसरा झूठ सही। तुम्हारा क्या कहा? आयुष्मान देखो, मेरे कारण किसी निर्दोष की जान चली जाएगी तो इस बात के लिए तो महादेव मुझे कभी माफ नहीं करेंगे।
सब ठीक है ना? तुम अचानक क्यों मंदिर में आ गई? सब ठीक है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। वैसे आप लोग बहुत थक गए होंगे ना, आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। देखो बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी बताना है तो। नहीं पापा जी, सब ठीक है, आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। ठीक है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी जाना चाहिए, मेरी वजह से बेवजह तुम भी परेशान हो रहे थे। बेवजह? तुमने तो एक मिनट में मुझे पराया कर दिया काव्या। सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम मुझे गलत मत समझो। मुझे कभी पराया मत समझना, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं जानती हूं। पापा जी का ख्याल रखना। काव्या के दिल में आज भी करण ही है। कुणाल से तो वो सिर्फ प्यार का नाटक कर रही है। हाँ, ये बात उसने खुद हमें बताई है। जो भी होगा हमें बताते रहिएगा। ठीक है, यहां जो भी होगा हर एक बात की खबर हम आपको देते रहेंगे। हमने आपको काव्य के बारे में बहुत बड़ी खबर सुनाई है। छोटी हो या बड़ी, अपनी बात अपने पास रखो मेनका। हमें काव्य के बारे में कुछ नहीं सुनना। नहीं नहीं अम्मा जी, आप बात समझने की कोशिश नहीं करिए। आधे एक बार में कही हुई बात समझ में नहीं आती क्या? जाओ तुम लोग यहां से, हमें आराम करना है। अम्मा एक बार आप जाओ, हमें दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। भानु चलो। जा रहे अम्मा जी। चलो अम्मा, एक बार सुन लेते ना तो। रिलैक्स, दादी माँ तभी मानेंगी जब हम उन्हें सब कुछ देंगे लाके। हाँ वो भी ठीक कह रहे हैं, जब अम्मा अपनी आंखों से काव्य और कुणाल के बीच में हो रहे तमाशे को देखेगी ना, तब उनकी आंखें खुलेगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलिए आप लोग आइए। चलो चलिए माँ, थोड़ा आराम कर लीजिए।
मैं किचन में थी तो आपका फोन नहीं उठा पाई. बोली ना, कोई जरूरी काम था. कावा बेटा, ये रसोई के काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, पर ये शादी के दिन बार बार नहीं आने वाले हैं. हाँ, मैं जरा कपड़े बदल के आता. रुको, मुझे तुम दोनों से एक साथ बात करनी है. बेटा, तुम दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम दोनों शादी कर लोगे. जी माँ. तब जल्दी से पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकलवा लो शादी का. वहां पर आपकी भी हाल परवर कुछ नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तुम फोन लगाओ पंडित जी को और बुलाओ. वैसे माँ, आपकी सुधरती हालत देखकर मैंने पंडित जी से पहले ही बात कर ली थी. उन्होंने 4 दिनों के बाद शादी का मुहूर्त निकाला है. अरे वाह मोनू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया. 4 दिन में तो सारी तैयारियां अच्छे से हो जाएंगी. मैंने काव्य के लिए शॉपिंग ही नहीं की थी, अब 4 दिन में शॉपिंग अच्छे से हो जाएगी. क्यों काव्य? हाँ जी बिल्कुल. मोनू बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम काव्य को लेकर शॉपिंग पे जाओ. नहीं, नहीं क्यों? मेरा मतलब है, वहां बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं सारे दुकानदारों को यहीं बुला लेता हूँ. हाँ मम्मी जी. बेटा, शादी की शॉपिंग कोई घर में करता है वाला? तुम दोनों मेरे पास आओ. मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक साथ बाहर जाओ, थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ बिताओ. लेकिन मम्मी जी, हम दोनों आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? काव्या बेटा, मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ क्या? हाँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ. और वैसे भी देखो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी चिंता मत करो. तुम दोनों एक साथ बाहर जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. अपने लिए ना सही, मेरे लिए ही चले जाओ. जी हाँ, मैं काव्या को शॉपिंग पर लेकर जाता हूँ. बस पहले मैं कपड़े बदल लूँ, फिर चलते हैं. मम्मी जी आप आराम कीजिए, अच्छे से शॉपिंग करके आना. कुणाल की माँ से बात करो, उसे सच उगलवाओ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. मेहंदी मोड़ा जी जी दीदी करती फिर रही थी ना. जाओ, गो गो गो. बात तो तुम सही कह रहे हो, पर मैं सिर्फ गायत्री के कमरे में खाली हाथ नहीं जा सकती ना. अरे तो कुछ सूफ बना के ले जाओ, थोड़ी खातिरदारी कर दूं कि जाओ ना यार. हाँ ठीक है, करती हूँ कुछ. आ
इतनी दूर किसने रख दिया? पानी देने के लिए ये काव्या और कुणाल कहीं गए हैं क्या? आपको इस हालत में अकेला छोड़ के? अच्छा अच्छा एक मिनट, आप पहले पानी पीजिए पीजिए पीजिए। शॉपिंग पे भेजा है। शॉपिंग? किस बात की शॉपिंग? शादी की शॉपिंग। शादी की शॉपिंग? मेनका, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं। जल्दी बताओ। वो 4 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला है ना, इसलिए दोनों को शॉपिंग पे भेजा है। आप बैठी क्यों ऐसे? आराम से आराम से। वैसे जीजी, शादी की तैयारियों के लिए 4 दिन बहुत कम नहीं है? तो मेरा मतलब आप अपनी हालत देखिए, आप तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं, तो इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगी? दीदी मैं तो कहती हूँ फिलहाल के लिए ना आप ये शादी टाल दीजिए। नहीं, शादी टालने की जरूरत नहीं है, और 4 दिन है अभी, मैं ठीक हो जाऊंगी तब तक। ये तुम बाउल में क्या लेकर आई हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। ये लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाकर लाई हूँ, अगर आपको जल्दी जल्दी ठीक होना है तो इसे जल्दी जल्दी पी लीजिए। अच्छा बना है। वैसे जीजी, आजकल के बच्चों का भी कोई भरोसा नहीं है। अरे कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अभी थोड़ी देर पहले काव्या और कुणाल ऐसे लड़ रहे थे, ऐसे लड़ रहे थे। अरे बाप रे, तो कितना डर गई थी दीदी, घबरा गई थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और अब घबरा तो मैं भी गई थी मेनका, है ना? पर फिर काव्या और कुणाल ने हाथ पकड़कर एक दूसरे का मुझे भरोसा दिलाया कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, अब मैं समझी कि इतना कुछ होने के बाद भी ये शादी टूटी क्यों नहीं है। जी जी, आप ये सूप पीजिए फटाफट, मैं अभी आई। हाँ, हो गई शॉपिंग। मम्मी जी, अब ठीक तो है ना? अब इतने देर तक हम बाहर थे, सब ठीक है ना? क्या परेशानी होगी बेटा मुझे? हाँ, और तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? मोनू, जल्दी जल्दी में ढंग से शॉपिंग तो की है ना? जी जी मम्मी जी, सब हमने हमारी पसंद की चीजें ही लाई है।
अच्छा जरा दिखाओ तो मैं भी तो देखूं तुम दोनों की पसंद कैसी है। जी मां। ये शेरवानी मम्मी जी कैसा लगा? ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रंग मोनू पर नहीं खिलेगा। एक्चुअली ट्रायल करते समय मैंने भी काव्या से यही कहा था लेकिन ये शेरवानी काव्या की पसंद है इसलिए मैंने खरीद ली। अच्छा तो फिर सामने आओ पहन के दिखाओ मैं भी तो देखूं काव्या की पसंद है। जी मां। कुनाल को तिलक तुम लगाओगी पति को तिलक हमेशा पत्नी को लगाना चाहिए। काव्या की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी बातें हमें फोन पर नहीं करनी चाहिए। मेरे मोनू के लिए मैं चाह के भी तुम जैसी पत्नी नहीं ढूंढ सकती थी। अब इन चार दिन के अंदर मैं इस शादी को तोड़ूंगा और इसे खुद कुनाल अपने हाथों से तोड़ेगा। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।